आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अ सर्कल इज पासिंग थ्रू थ्री वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड इट्स सेंटर इज द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रोम्बस है, ये एक हमारा रोम्बस दिख रहा है जिसकी ये हमारी चार साइड्स हो गई। ठीक है, और एक सर्कल ऐसा है जिसका हमारा सेंटर ये है एंड एक मतलब कि एक वन ऑफ द वर्टिसेस इज सेंटर एंड बाकी हमारे तीन वर्टिसेस से वो पास हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऐसा सा सर्कल जा रहा है कि हमारा सेंटर ये है एंड तीन वर्टिसेस से पास हो रहा है। तो यहाँ पे सारी इंडिविजुअल साइड्स क्या है, अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट्स हमारे सेंटीमीटर्स में, तो बाद में इंक्लूड कर लेंगे। मैं बस टेंथ लिख रहा हूँ, 8, 8, 8 and 8, क्योंकि हमारी रोम्बस की क्या होती है प्रॉपर्टी, दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर है, अगर मैं इसको ओ बोल दूँ, इसको ए बी सी, अगर ओ हमारा सेंटर है तो सेंटर से हमारी सर्कल के किस ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करूँ तो हमारा क्या होता है, रेडियस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो हमारा क्या होगा, बेसिकली दिस विल आल्सो बी रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे क्या है बेसिकली ऑल आर रेडियस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। अब ABCO रोम्बस के अंदर हमारे दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालनी है, दो डायगोनल्स हैं, दैट इज OB एंड AC, ये हमारे दो डायगोनल्स हैं। अब OB की लेंथ तो मुझे डायरेक्टली मिल गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए AC को ज्वाइन करता हूँ। अब रोम्बस के बारे में मुझे प्रॉपर्टी ये बताती है, दैट जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको मैं नेम देता हूँ D। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का यूज कर सकता हूँ, तो ट्राइंगल डी बी सी मैं पाइथागोरस यूज करूंगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, डी बी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। तो डी बी स्क्वेयर, डी बी इज दिस। ठीक है, बेसिकली अब ये ओ बी, ये पूरी लेंथ हमें क्या बताती है, 8, और ये क्या है बाइसेक्ट कर रहा है एट डी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट, तो ऊपर वाला क्या होगा 4, नीचे वाला यहाँ पे भी क्या होगा 4, एंड ये पूरी लेंथ जो है ओ बी, this whole length will be 8 centimeters। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ बेसिकली 4 एंड 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, db square will be 4 square plus dc square हमारा unknown है is equal to 8 square, that is bc। ठीक है, and क्योंकि ये diagonals जो है bisect कर रहे हैं d पे, therefore मैं ad को क्या बोल सकता हूँ, equal to dc। this implies ac हमारे पास क्या है, basically 2dc। ठीक है, ad plus dc है ac, और ad dc के बराबर ही है, तो ac हमारे पास क्या है 2dc। Therefore, diagonal की length मैं यहाँ से सीधा find out कर सकता हूँ। तो DC square ये क्या हो जाएगा, 64 minus 16। तो 64 minus 16 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, basically 64 minus 10 is 54 minus 6 is 48। तो basically DC हमारे पास क्या आ गया, 4√3। इसका अगर मैं root लूँगा, अब मैं positive value consider कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ये length है। ठीक है, इसलिए negative value consider नहीं कर रहा हूँ। तो DC हमारे पास क्या आ गया, 4√3 centimeters। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ 48 इज 4√3, क्योंकि 48 को मैं क्या सकता हूँ, 16 into 3। ठीक है, एंड अगर इसका रूट लूंगा तो रूट 16 क्या हमारे पास 4 एंड रूट 3 हमारे पास ए सी। देयरफॉर ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी विल बी 2 into DC, दैट इज 2 into this विच इज 8√3 centimeters। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8√3 centimeters। तो ये डायगनल की वैल्यू क्या आ गई, 8√3 centimeters। अब इन दोनों से हमें कौन सी चाहिए, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगनल। अब 8 सेंटीमीटर है, 8√3 सेंटीमीटर है, अब रूट 3 इज 1.732, तो 8 इनटू सम नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए हमारी ये वैल्यू 8 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो दिस विल बी समथिंग अराउंड 14। ठीक है, तो ये होगी हमारी 8 and 14। तो बेसिकली लार्जर डायगनल कौन सा है, ए सी। देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जर डायगनल क्या आएगी, लेंथ ऑफ लार्जर डायगनल ये हमारे पास क्या आएगी, बेसिकली दिस विल बी 8√3 centimeters। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।